नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। दोस्तों, आज मैं अपने शहर प्रयागराज की बहुत ही खास रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है दमालू चाट। तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें करीब आधा चम्मच जीरा डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और करीब आधा चम्मच के लगभग हींग पाउडर। इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ उबला आलू ऐड करेंगे। अब इस आलू को हम अच्छे से चला देंगे। इसे चलाते हुए हम और भी बारीक कर लेंगे। आलू को अच्छे से चलाने के बाद इसमें डालेंगे हम करीब 1.5 चम्मच नमक। और इसके बाद हम डालेंगे करीब 4 टेबल स्पून ये दमालू मसाला। अब इसको हम अच्छे से चला देंगे, और चलाते हुए हम स्पून से इन आलूओं को और बारीक करते जाएंगे। दोस्तों, दम आलू मसाले में आलू जितना बारीक होता है ये उतना ही टेस्टी बनता है, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ही जरूरी है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे करीब आधा ग्लास पानी। और फिर से एक बार हम इसको अच्छे से चलाएंगे। और अब हम इसको चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और जब हमारा ये दमालू हल्का गाढ़ा होने लगेगा तभी हम इसमें ऐड करेंगे इमली की मीठी चटनी। दोस्तों, अगर आपके पास इमली की मीठी चटनी नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ और अमचूर ऐड कर सकते हैं, इसके स्वाद में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पे करीब 2 बड़े चम्मच इसमें मीठी चटनी ऐड कर रही हूँ। और अब हम देख रहे हैं कि ये दम आलू हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो इसी समय हम गैस को ऑफ कर देंगे। दोस्तों, आप चाहें तो इस दम आलू को ऐसे भी पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं, और ज़्यादातर फंक्शन में इसी तरीके का आलू दम आलू बनाया जाता है, लेकिन आज मैं यहाँ पे दम आलू चाट बनाने जा रही हूँ। तो अब इसको मैं चाट बना के दिखाऊंगी आपको। तो एक प्लेट में मैं डालूंगी पहले 3 से 4 चम्मच ये दम आलू। और इसके बाद इसमें ऐड करूंगी मैं ये तीखी ग्रीन चटनी। ये चटनी मैंने पुदीने और कच्चे आम से बनाई है। और इसके बाद ऐड करूंगी मैं ये इमली की मीठी चटनी और कटा हुआ प्याज डालूंगी। साथ ही डालूंगी मैं इसमें सेव भुजिया, जो इस दमालू चाट की जान है। इसके बिना ये चाट दोस्तों बिल्कुल अधूरी है। और लास्ट में डालूंगी मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया, और फिर से एक बार 1 चम्मच मीठी चटनी और थोड़ी सी प्याज डाल के इसको मैं सर्व करूंगी।
तो दोस्तों अब हमारी ये दम आलू की बहुत ही बढ़िया चाट बन के तैयार हो चुकी है। आप भी इसको बनाइए और अपनी फैमिली साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू।